हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑटोकैड एमसीक्यू सीरीज जो आपकी चल रही है उसका पार्ट 6 करेंगे। उसमें भी हम 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑटोकैड ऑब्जेक्ट्स आर इन ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, 1, 2, 4 या 8। अब देखो, अगर मैं ऑटोकैड के अंदर जाता हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, REC एंटर, तो आपको क्या लगेगा कि 4 ऑब्जेक्ट है, मतलब 4 लाइन है। बट जब रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ये कंप्लीट एक पॉली लाइन होता है और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 1। तो हम यहां से 1 को सिलेक्ट करेंगे, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है? विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन पॉली लाइन। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को। कौन सी कमांड अलग अलग ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने का काम करती है? तो अगर आपके पास मान लो अलग अलग लाइन है, मैंने लाइन कमांड लिया और ये मैंने बनाया यहाँ पे, और ये सारी आपकी अलग अलग लाइन है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए मैं कमांड जो यूज करूंगा, जे एंटर फॉर ज्वाइन, सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को एंटर, तो आपका ये ज्वाइन हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास जो राइट आंसर है वो है ज्वाइन। ओके, उसके बाद है UCS स्टैंड फॉर। UCS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं बात करूं तो जो ये आपका पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका UCS होता है बेसिकली, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं व्हाट डज एसोसिएटिव हैच। एसोसिएटिव हैच क्या करता है? अगर मैं ऑटोकैड पे जाऊं, एसोसिएटिव हैच का मतलब क्या है कि मान लो मैंने एच एंटर किया और इस पे क्लिक किया, इसके अंदर हैचिंग हुई और ये कर दिया मैंने एसोसिएटिव। ओके, और एच एंटर करके मैंने इसके अंदर क्लिक किया और इसको कर दिया नॉन एसोसिएटिव। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है रिसेंटली, आप देख सकते हैं, एंड ओके कर दोगे। अब एसोसिएटिव हैच क्या करेगा कि अगर आप क्लिक करते हो और आपने बॉक्स के साइज को इंक्रीज करते हो तो आपकी हैचिंग भी उस शेप के साइज इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपका नॉन एसोसिएटिव है, आप इसे अगर इसके साइज को इंक्रीज करोगे तो आपका हैच उतना ही रहेगा बट आपकी शेप इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। तो एसोसिएटिव हैच क्या करता है, आपकी जो ऑब्जेक्ट का अगर आप साइज बड़ा करेंगे तो हैच भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्केल करेगा। तो इसका राइट आंसर जो हुआ वो हुआ मॉनिटर्स टू चेंजेस इन शेप। ये मॉनिटर करता है चेंजेस इन शेप पे, जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है वैसे वैसे आपकी हैचिंग की शेप यहाँ पे चेंज हो जाती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोकैड्स प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल। की ऑटोकैड के अंदर कौन कौन से प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल होते हैं। अगर मैं ऑटोकैड पे जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप 3D बेसिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे विजुअल स्टाइल देखो, 2D वायर फ्रेम भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, रियलिस्टिक भी है, हिडन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल भी है, रियलिस्टिक भी है, 2D एंड 3D वायर फ्रेम भी है, 3D हिडन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, ये चारों ही हैं जो आपके वहां पे दिखाई देते हैं बाय डिफॉल्ट। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर ड्राइंग। पोलर कोऑर्डिनेट किस चीज के लिए यूज किया जाता है? अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूं, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर मैं पोलर ट्रैकिंग की बात करूं, पोलर ट्रैकिंग में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कोई एंगल डाल सकते हैं जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं। मान लो 30-30 डिग्री के एंगल आपने डाले तो वो ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे ही आपके पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताए हैं कि मान लो मेरे को एक लाइन बनानी है, अब मान लो मैंने एक लाइन लगाई यहाँ पे 10 की, और यहां से मुझे एक 60 डिग्री के एंगल पे लाइन लगानी है और 10 डिस्टेंस की, तो मैं उसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं करूंगा एल एंटर, यहां से मेरे को चाहिए कहां तक चाहिए, तो ये पोलर ट्रैकिंग में ऑफ कर देता हूं, तो मैं लगाऊंगा एट द रेट, डिस्टेंस डालूंगा 10 और फिर एंगल का साइन जो स्मॉलर देन को होता है, फिर 10 एंटर। तो ये होता है आपका पोलर ट्रैकिंग। अंडू किया, 60 डिग्री का एंगल चाहिए था, एट द रेट 10, एंगल आपने डाला 60, एंटर, तो 60 डिग्री के एंगल पे आपका ये बन जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री का रहेगा। अगर मैं इसे एंगुलर डायमेंशन से चेक करूं तो ये आपको देख सकते हो 60 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब है, इसका जो राइट आंसर हुआ, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो एंगुलर लाइंस को बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी रेंडर्ड। आप किस किस ऑब्जेक्ट को रेंडर कर सकते हैं? अगर हमारे पास, अगर मैं ऑटोकैड या किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात करूं, अगर आपके पास ये सिंगल लाइन है, कोई भी शेप है, इसको आप रेंडर में नहीं देख सकते। बट अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है,
इस रेक्टेंगल को आप देख नहीं पाओगे 3D में, बट अगर इस रेक्टेंगल को मैंने एक्सट्रूड कर दिया तो आप इसको 3D ऑब्जेक्ट को देख पाओगे रेंडर में। क्लियर है? तो रेंडर में ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका दिखेगा। अगर आप यहां से रेंडर करेंगे तो आप रेंडर कर सकते हैं, तो वो 3D ऑब्जेक्ट है जो यहां पे आपको दिखाई देगा। क्लियर है? उसके बाद तो यहां पे है कि सरफेस भी आपको दिखाई देगा, 3D सॉलिड भी दिखाई देगा एंड पॉलीगन मैशेस भी दिखाई देगा। मतलब सॉलिड हुआ, सरफेस हुआ, जो भी चीजें हुई, ये सारी चीजें दिखाई देंगी एक शेप को छोड़कर जिसकी थिकनेस कुछ नहीं होती, वो वाली शेप। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, विच इज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बेस्ट ऑप्शन फॉलोइंग क्या है, किस चीज के लिए? हाउ विल यू डिसलेक्ट एन ऑब्जेक्ट व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहां पर टॉप पे जाता हूं और मान लो मैंने क्या किया, इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। अब एक ऑब्जेक्ट इसमें से डीसेलेक्ट करना है, तो डीसेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर क्लिक करता हूं, तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे देखो माइनस का साइन आ जाएगा आपके कर्सर के साथ। तो शिफ्ट से आप डीसेलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल अल्ट बटन से आप एड कर सकते हो। तो जो इसका राइट आंसर हुआ कि कौन सा ऑब्जेक्ट, हाउ विल यू डीसेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, तो इसका राइट आंसर हुआ शिफ्ट के साथ अगर हम क्लिक को यूज करेंगे, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव, तो ये इसका राइट आंसर हुआ जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि शिफ्ट के साथ अगर क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, मतलब डीसेलेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम अलाउएबल नंबर ऑफ लेयर इन ड्रॉइंग। इसका मतलब है अगर आप लेयर पे काम करते हो, अगर आपके पास मल्टीपल लेयर है, मान लो आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट और आपके पास मल्टीपल लेयर है, अब इतनी सारी लेयर है, एक इसमें से कितने नंबर ऑफ लेयर वन टाइम में आप अलाउएबल रख सकते हो। अगर आप लेयर प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इतनी सारी लेयर्स में से एक ही लेयर पे चेक है। चेक का मतलब ये अलाउएबल है। अगर मैं जीरो पे क्लिक करके यहाँ पे कर दूं सेट करंट, तो ये एक आपका ये हट जाएगा, ये अलाउएबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट लेयर को अलाउएबल रख सकता हूं, बाकी सारी अलाउएबल नहीं रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ वन, कि वन ही ऑब्जेक्ट को मैं, वन ही लेयर को मैं अलाउएबल रख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कमांड डब्ल्यू ब्लॉक। डब्ल्यू ब्लॉक क्या करता है? ये करता है राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक क्या होता है वो बताता हूं। राइट ब्लॉक क्या होता है कि मान लो ऑटोकैड आपके पास, अब आपको राइट ब्लॉक बनाना है। एक होता है ब्लॉक ऑब्जेक्ट को आप ब्लॉक बनाकर रख सकते हो, वो ब्लॉक जो होता है वो इसी प्रोजेक्ट के लिए होता है, और राइट ब्लॉक होता है आप इसको बाहर सेव कर सकते हो अपनी एक फाइल बनाकर। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को ये तीन सर्कल अलग से सेव करने हैं। एक तरीका तो मेरा क्या हुआ कि मैं इन तीन सर्कल भी रखूंगा और बाकी सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करके इस फाइल की कॉपी को मैं सेव एज कर दूंगा, ठीक है। बट हमें क्या करना होता है, जब हम मान लो कोई सारा प्रोजेक्ट करते हैं, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट की बात करूं, अब इतने सारे प्रोजेक्ट है, अब इतने सारे मैंने यहाँ पे ऑप्शन रेडी किए, मान लो अब एक ही ऑप्शन को मेरे को सेव करना है, किसी को सेंड करना है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को, तो मैं क्या करूंगा, इसका राइट ब्लॉक बनाऊंगा, डब्ल्यू एंटर फॉर राइट ब्लॉक, मैं यहाँ पे पिक पॉइंट करूंगा और इसको कर दूंगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ये मैंने सिलेक्ट किया एंटर, और कहाँ पे सेव करना है मैं उसको डेस्कटॉप वगैरह पे, जहां पे मेरे को सेव करना हुआ, तो मैं यहाँ पे न्यू ब्लॉक के नाम से सेव किया और सेव कर दिया। एंड यहाँ पे किस यूनिट में करना है, यूनिट चूज कर सकते हो एंड ओके। जैसे ही ओके करोगे तो क्या होगा, आपकी ये वाली फाइल आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी आपके न्यू ब्लॉक के नाम से। अगर आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो उसमें आप देखोगे सिंपल वही एक ड्राइंग है जो यहाँ पे है, बाकी कोई भी ड्राइंग यहाँ पे नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका यहाँ पे राइट ब्लॉक। ओके, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और ऐसी वीडियो के लिए बने रहे साथ में और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वंदे मातरम।